नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। सुशांत मामले में जी हिंदुस्तान लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर वो ये कि ईडी के दफ्तर इस वक्त रिया, उनके भाई, उनके पिता मौजूद हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछली जब सुनवाई हुई थी, पिछली जब बातचीत हुई थी, रिया से पूछताछ हुई थी, तमाम ऐसे सवाल जिनके रिया ने सहयोग नहीं किया, कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। 8 घंटे की पूछताछ थी लेकिन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। आज पूछताछ हो रही है लेकिन इस बीच सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर रिया ईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रही। वो रिया जो लगातार हैशटैग करके, टैग करके गृहमंत्री अमित शाह से अपील करती हैं कि सीबीआई की जांच हो, आज उस रिया को सीबीआई और ईडी से दिक्कत क्या है। बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से रिया के पक्ष में शिवसेना यानी सत्ताधारी पार्टी के नेता खुलेआम पार्टी बनकर सामने आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या रिया की तरफदारी या कुछ और संकेत? इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सुशांत का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी ओर सुशांत की गर्लफ्रेंड ने सुशांत के परिवार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ अपने पर्सनल चैट को लीक कर सुशांत की अपनी बहन प्रियंका से खराब रिश्तों को साबित करने की कोशिश की। रिया और सुशांत का व्हाट्सएप चैट, हाय मेरा बेबी कैसा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेल रही है, वो बहुत दुष्ट है। तो फिर तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? हाँ, मैं बात करूँ? ठीक है। तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है, सर बहुत सही है और शोविक बहुत दयालु है, और तुम भी जो मेरी हो, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहकर खुशी होती है। तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। अब मैं सोने की कोशिश करूंगा। सो जाओ मेरे स्वीट बॉय। लेकिन रिया के इस साजिश का उसकी बहन ने भंडाफोड़ कर दिया। सुशांत की बहन कीर्ति ने सुशांत के एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है जिसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका की तारीफ कर रहे हैं। Who are you the closest to? Closest to everybody. But yeah, one of my sisters I'm very close to because she gets me. easier than the others do. Yeah, the kind of things that we think are very similar. Pavitra rishta with that sister of mine, Priyanka. दूसरी ओर शिवसेना खुलकर रिया के बचाव में उतर आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी के सांसद संजय राउत ने लेख में आरोप लगाया है कि सुशांत के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं थे। अंकिता लोखंडे ने सुशांत को छोड़ दिया जबकि रिया उनके साथ थी। दिशा सालियान का सुशांत खुदकुशी से कोई संबंध नहीं। सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी जिसे सुशांत ने स्वीकार नहीं किया था। सामना में लगे आरोपों को सुशांत के परिवार ने खारिज कर दिया। ये बिल्कुल भ्रामक बयान है, इस बयान का कहीं कोई सिर पर नहीं है। बातों को उलझाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, इस बात में कहीं कोई दम नहीं। रिया चक्रवर्ती से ईडी आज दूसरी बार पूछताछ कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह के अकाउंट से निकाले गए पैसों का हिसाब बड़ा पॉइंट होगा क्योंकि इस बाबत रिया और सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के बयान में बड़ा अंतर है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया के पिता ने नवी मुंबई वाले फ्लैट के नाम पर सुशांत सिंह की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड है जबकि इसका आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया है। ईडी अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर 17 बार आईपी एड्रेस बदलने की जरूरत क्या पड़ गई। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि एक नोट तो जारी कर दिया है रिया ने लेकिन जो 12-13 डायरी जो अब तक सुशांत ने लिखी वो कहां है और जो पेज गायब है डायरी के वो क्या कहते हैं, उसमें क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एपी सिंह जी हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी शिवसेना के समर्थक हमारे साथ हैं, पायल रोहतगी अभिनेत्री हैं, डॉक्टर निशा खन्ना पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, एनसी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वक्त हमें अपडेट देंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले एक अपडेट राकेश मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो क्या कह रही है, पहले वो सुनिए। रिया चक्रवर्ती से ईडी दफ्तर में जो पूछताछ चल रही है वो तमाम ऐसे गहरे सवाल हैं जिनके जवाब रिया को अब देने होंगे। रिया के पिता और भाई से भी ईडी पूछताछ कर रही है मुंबई के ईडी दफ्तर में। 2 घंटे से ये पूछताछ चल रही है यानी कि लगभग पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। लेकिन जो सवाल ईडी कर रही है यानी जिन सवालों के जवाबों में रहस्य छुपा हुआ है वो सवालों के जवाब रिया कहती है कि उन्हें याद नहीं है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त हैं। राकेश जरा अपडेट बताइए, क्या कुछ अब तक पूछताछ हुई है,
पहला सवाल ये, और दूसरा बहुत छोटा सवाल मेरा ये है कि जो अब तक हम बयान देख रहे हैं शिवसेना की तरफ से, चाहे मुखपत्र सामना के जरिए हो, चाहे संजय राउत के मुख से निकलकर सामने आ रहे हो, रिया के मामले में पार्टी बनकर क्यों सामने आ रही शिवसेना, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मामले में अब तक ईडी ने शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे की पूछताछ की है, रिया चक्रवर्ती से आज ये दूसरे राउंड की पूछताछ है। पहले राउंड में जिन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाई थी या जो दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं थे, उन दस्तावेज को उनको साथ में लाने के लिए कहा गया था, ऐसी जानकारी हमें हमारे सोर्सेज बता गए हैं। आज ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनकी जो एक बिजनेस मैनेजर है श्रुति मोदी, उनसे भी जो अलग पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज ये बताते हैं कि इन सबका अलग अलग बयान दर्ज करने के बाद अलग अलग कैबिन में बिठा कर इनको जो मेल कराने की कोशिश की जाएगी, जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाएगा उस इन्फॉर्मेशन को जो है इनको आमने सामने बिठा करके आगे आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। इनकम टैक्स को लेकर के जो है अपने आमदनी को लेकर के और आईटीआर को लेकर के रिया चक्रवर्ती ने कुछ दस्तावेज जो है वो ईडी के पास दे दिए हैं। तो अभी पिछली बार की तरह आज की भी जो जांच है वो कई घंटों तक चल सकती है। दूसरा जो आपका सवाल है शिवसेना को लेकर के, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे पहले जो है कई सारी फेक न्यूज की खबरें आने की शुरुआत हुई, जिसमें ये बताया गया कि सुशांत के घर में पहले पार्टी हुई थी, कोई पार्टी के नेता थे, ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में आदित्य ठाकरे को सामने आकर के अपनी सफाई देनी पड़ी। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये पॉलिटिक्स की तरफ जब टर्न होने लगा, और खासतौर से मुंबई पुलिस ने जब अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, तब उस एफिडेविट में उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि बिहार पुलिस की जो जांच है वो राजनीति से प्रेरित है, और यही से जो है इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फ्यूल मिली इस पूरी डिबेट को, जिसके बाद अब शिवसेना और बीजेपी आमने सामने। ठीक है राकेश, नजर बना के रखिए, कोई अपडेट अगर आपके पास आती है या रिया ईडी दफ्तर से, हालांकि इतना जल्दी मुश्किल है क्योंकि उस दिन भी 8 घंटे पूछताछ हुई, हो सकता है कि आगे होगी, लेकिन कोई भी अपडेट हो तो आप जल्दी से हाथ उठाइएगा, मैं अपडेट आपसे लूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निशा खन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपने सुना होगा मेरे सहयोगी राकेश को, पॉलिटिक्स की जा रही है ये कह रही शिवसेना। अब सवाल ये कि जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से ही बयान किए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, मेरा एक मानना है, अगर क्योंकि शशांक के केस में ये हाईलाइट हुआ था, उनके जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर से अगर कोई इंसान पीड़ित है, और ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि मेरे क्लिनिक में भी लोग काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग के दौरान फैमिलीज डिनायल में रहती हैं, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप को सरकार भी जो है वो पति पत्नी का स्टेटस देती है, सिर्फ इसमें एक फर्क होता है प्रॉपर्टी के राइट्स का। जैसा कि आपने बोला, सुशांत का अगर देहांत हो जाता है किसी भी वजह से, तो उस पर कोई भी इंटाइटलमेंट जो है वो लिव इन के केस में जो है वो रिया पर नहीं होगा। अगेन देखिए, ऐसा बहुत बार होता है, मेरा मानना है कि लिव इन में जब कोई भी कपल रहता है ऐसा में उसमें झगड़े होते हैं, और जब झगड़े होते हैं तो डेफिनेटली इश्यूज आएंगे, और अगर ऑलरेडी पर्सन स्ट्रेस्ड है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ने में भी हो सकता है योगदान हो, बट डेफिनेटली अगर एक पर्सन उसका ध्यान रख रहा है, उनके घर के झगड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक ड्राइवर को, एक कुक को और घर के सर्वेंट को घर के हालात। मैं लौटूंगी, मेरा सवाल एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपसे ये था कि आप इसको क्या एनालाइज कर रही है, क्या आप देख रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। शायना एनजीसी मेरे साथ जुड़ी है, शायना जी बहुत स्वागत आपका। शिवसेना कह रही है कि देखिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और चूंकि अगर सीबीआई की बात होती है तो साफ तौर पर ये आरोप भी वो लगा रहे हैं कि ये तो केंद्र की एजेंसी है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले पायल रोहतगी मेरे साथ जुड़ी है। पायल जी, मुझे आप समझाइए कि जो रिया ये कार्ड जो खेल रही है, एक और अपनी पर्सनल चैट को सोशल मीडिया पर आप वायरल कर रही हैं, दूसरी ओर आप कहती हैं कि मैं तो चाहती हूं कि सीबीआई जांच हो, बिकॉज कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, आप सामने आती हैं, ये विक्टिम कार्ड है या फिर डर्टी ट्रिक अपनाई जा रही है, कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, आप सबको पता है कि मेरी जो सोच रिया के बारे में क्या है, रिया एक मैन्युपुलेटिव श्रूड वूमन है, उसको एकता कपूर वैम्प कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप की चैट पब्लिक कर रही है तो ऑब्वियसली उसने ये भी देखा होगा कि कोमल नाटा जी की इंटरव्यू आई है जहां पर वो कह रहे हैं सुशांत की उनका सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप प्रियंका के साथ था, एंड प्रियंका यूज टू हैंडल हिज फाइनेंसेस एज पर न्यूज रिपोर्ट्स। तो रिया ने सबसे पहले आकर व्हेन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप इल्जाम लगाया उसकी बहन के ऊपर कि शी ट्राइड टू मोलेस्ट हर, नाउ दैट इज समथिंग सो
चीप एंड मैन्युपुलेटिव, क्योंकि अगर प्रियंका ऐसी टाइप की होती देन अंकिता लोखंडे के साथ भी उन्होंने ऐसे बिहेव किया होता, मगर किसी ने भी उनके ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया एक्सेप्ट रिया। रिया जो ग्रेटिट्यूड नोट दिखाती है उसमें पूरे परिवार को थैंक यू किया जाता है, मगर सुशांत वॉज क्लोजेस्ट टू हिज मदर। यहाँ पर जो संजय राउत जी फादर का एंगल ला रहे हैं उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी, बट सुशांत वॉज क्लोजेस्ट टू हिज मदर ऑल्सो, सो वाई वॉज ही नॉट ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ मदर लाइक द वन ही हैड। तो पूरा वो ग्रेटिट्यूड लेटर भी फेक है, व्हाट्सएप चैट्स आर अनडेटेड, सुशांत के नंबर्स चेंज किए गए थे, उनको सिम कार्ड दिया गया था बाय सैमुअल मिरांडा एंड अदर स्टूजेस ऑफ रिया चक्रवर्ती। सो इवन इफ द चैट इज रियल द चैट कैन बी मैन्युपुलेटेड एंड दिस शोज दैट रिया खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। संजय गुप्ता जी जो सारे सवाल, जो सारी सोच पायल रोहतगी या अन्य लोगों के सामने आ रही है, सवाल ये कि क्या इसमें से कोई भी एक सवाल आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता? दिशा को आप पूरी तरीके से सुसाइड करार दे देना, उस पर जांच न होना, पर्दा डाल देना, रिया के पक्ष में सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं का खुलकर सामने आ जाना, क्या पार्टी बनना बहुत जरूरी हो गया है या मजबूरी हो गई है? क्या वजह है मुझे ये समझाइए जरा। देखिए, ना तो कोई चीज जरूरी है और ना कोई चीज मजबूरी है। ये तो सारा खेल जो रचा जा रहा है ना, जितने से आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, ये सब बिहार इलेक्शन को देख करके। सुशांत सिंह राजपूत जी के एक भाई हैं जो नीरज सिंह, जो कि बिहार के एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने ही उनके पिता को बरगला करके बिहार के अंदर इस तरह से एफ आई आर दर्ज कराई। किस तरह की साजिश रच रहे हैं, मतलब आज देखिए सुशांत। अरे संजय गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि कहां से जानकारी आपके पास इतनी आ जाती है? मुझे लगता है कि जिन नेताओं के पास जानकारी है सीबीआई या पुलिस को पहले उनसे पूछ लेना चाहिए कि सुशांत के परिवार से रिश्ते कैसे थे, उनको क्यों अंकिता ने छोड़ दिया, क्या वजह थी, दूसरी शादी उनके फादर ने कर ली, क्या बराती बन के गए थे, क्या उनका परिवार कह रहा है कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं? बिहार के अखबारों में छप रही है खबरें, तो ये कोई संजय राउत जी अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे सर, किसी के परिवार की हर की एक कहानी होती है, हर परिवार की एक कहानी होती है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके घर में भी कहानियां होंगी, लेकिन सवाल ये कि इस पूरे मामले को इन सवालों से जोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है इनसे? क्या इस पूरे मामले को वीक करने की साजिश की जा रही है? नहीं नहीं, एक बात आप ये देखिए कि ये अंधजल आरोप लगा रहे हैं किसी भी तरह की जो भी इनके बात में मन में बात आती है ये वो बोलते हैं। आप ये देखिए कि 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी से लेके और 14 जून तक इनका परिवार कहाँ था, ये क्या कर रहे थे अगर इनको ऐसा लगता था? एक तरफ तो ये कहते हैं कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को प्रिया चक्रवर्ती ने बंधक बना लिया था, दूसरी तरफ उनके पड़ोसी सुशांत सिंह राजपूत मेरे साथ जुड़े, मैं आ रही हूँ। शायना जी, आरोप ये लग रहा है, आपने सुना होगा संजय गुप्ता जी को भी, वो कह रहे हैं अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। संजय राउत साफ ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार को बेवजह सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और सीबीआई तो केंद्र सरकार की जो केंद्र की एजेंसी है भाई, वो कैसे निष्पक्ष जांच करेगी, वो तो सीबीआई पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये शिवसेना का पार्टी बन जाना इस मामले में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इनको गंभीर सवालों का जवाब नहीं देना है। जब शुरुआती में हमने कहा कि आप आपके फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में दीजिए, 55 दिन तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र में एफआईआर तक नहीं दर्ज की। एक लाचार पिताजी एफआईआर दर्ज करते हैं बिहार में, विनय तिवारी आते हैं मुंबई, 12 बजे रात को उनको क्वारंटाइन किया जाता है। जब डीजी पूछते हैं कि ये सवालों का जवाब दीजिए, कोई जवाब नहीं। ये अविश्वास जो और फिर उद्धव ठाकरे जी क्या कहते हैं कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई है तो आप लेके आए। क्या जनता का काम ये है कि सबूत पेश करना, सरकार के पास जाना? मैं पूछना चाहती हूँ, जब एक आम आदमी का कॉन्वर्सेशन है एक रिपोर्टर के साथ जहाँ कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पैर को लेके एक सवाल उठता है, उनके बॉडी कलर को लेके एक सवाल उठता है, फोम है, ये चीज इन्वेस्टिगेशन के निमित्त सामने फैक्ट्स आना चाहिए। ये कोई ओपन एंड क्लोज केस नहीं है और इसलिए सीबीआई की आवश्यकता है। एपी सिंह जी, कह सकते हैं सर, एक जवाब आपसे लूंगी मैं। एपी सिंह जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से रिया का रवैया आप देख रहे हैं, सवालों के जवाब में ये कह देना कि मुझे कुछ याद नहीं है या फिर वो सहयोग न करना, ये क्या दर्शाता है सर? ये किस ओर इशारा कर रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये सब मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन की चीज है। पर मैं इतना जरूर बतला दूंगा कि जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो गया है, तो दिस विल डिसाइड सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं।
कोई स्टेट में आप एफआईआर करेंगे और वो जब स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वेदर अनदर स्टेट कैन सुओ मोटो स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन इन अ मैटर व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीबीआई का टेक ओवर अपोज करा है, मैं पढ़ रहा था अखबार में कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया है सीबीआई ये सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई इस केस को नहीं ले सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ऑर्डर देखें और फिर क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देती है, उसी के वो जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगी उसी के हिसाब से फिर आगे ये इन्वेस्टिगेशन। ठीक है सर, मैं ब्रेक के बाद भी आपके पास लौटूंगी, एपी सिंचर में समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज ही रिया से एक और पूछताछ चल रही है, तो दूसरे और सुशांत के परिवार के बयान भी दर्ज करने जा रही है सीबीआई। तो सवाल ये कि आपने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले जो बयान दर्ज हो रहे हैं उसके क्या मायने हैं, मैं ये भी समझूंगी। बहुत छोटा सा ब्रेक है, थोड़ा लौट रहे हैं, लगातार ये बहस जारी है। सवाल यही है कि आखिर आज क्या राज उगलेगी रिया, और क्या उसकी चुप्पी ही उसके गुनाहों की कहीं गवाह तो नहीं बन रही। थोड़ा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में इस वक्त रिया, रिया के भाई और उनके पिता मौजूद हैं। लगातार बड़े सवालों की फहरिस्त लंबी है जिन पर पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आज रिया के कुछ ऐसे शब्द निकलकर सामने आएंगे जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो कि पिछली जब जवाब तलब हुए तो उसमें रिया ने सहयोग नहीं किया, ईडी की तरफ से साफ इस बात को बताया गया। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शाइना जी, राउत कह रहे हैं कि ये राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला कर रही है केंद्र सरकार, ईडी और सीबीआई के जरिए बदनाम करने की कोशिश है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। बिल्कुल गलत, बल्कि संजय राउत जी और शिवसेना को कुछ कहना था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरकार की भूमिका स्पष्ट रखते हैं, मुंबई पुलिस वहां उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि सामना जैसे लेख में किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, कोई भी परिवार में जो अंदरूनी मामला है, बाप बेटे, पिताजी बेटा हो या फिर कोई अन्य संबंध, उसको उजागर करना और एक लेख में कि जैसे कि आपने सवालों का जवाब ऐसे दिया, हाल में कुछ काला क्यों है, क्योंकि जो आप सच्चाई सबके सामने और ये जो सवाल उठाए हैं, समझ लीजिए गलत सवाल भी हैं, तो वो सवाल का जवाब तो देना चाहिए। संजय गुप्ता, ये वही मुंबई पुलिस है, प्रशंसा हर जगह होती है, जहां वो गंभीर से गंभीर केसेस को सॉल्व करते थे, तो इस बार क्यों ये चुप्पी? गुप्ता जी, जवाब का मतलब क्या है? राजनीतिक चश्मा किसकी निगाहों पर है और जो पूरी तरीके से रिया की पार्टी बनकर खड़े हैं वो कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे हैं इस पूरे मामले को? नहीं देखिए, अब ये साइना जी समझाएंगी कि संजय राउत जी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब एक केस जिसके अंदर क्लियर तौर पे इस बात के एविडेंसेस हैं कि ये सुसाइड का केस है, एक ऐसी लड़की को फंसाने का काम किया। संजय गुप्ता जी, आप यहाँ बैठ कर ये कैसे तय कर सकते हैं सुसाइड का केस है? मैं मौत पर बात कर रही हूँ, मैं मौत पर बात कर रही हूँ, सुशांत सिंह की मौत पर बात चल रही है, सुसाइड केस है, ये जांच का विषय चल रहा है सर, आप तय मत करिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, विश्वा की रिपोर्ट है, उन जांचों के आधार पर जो तो फिर कहिए ना कि शट डाउन कर दीजिए मामले को, आधार पर ये बातें हैं। फिर तो आप कहिए कि संजय गुप्ता जी ने ये आदेश दे दिया यहाँ बैठ कर कि भाई साहब इसमें कुछ है नहीं, मामला खत्म है, बंद करिए, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो आपकी ऑपोजिशन में है, आप ऐसे उनको डाउन नहीं कर सकते। रही बात आपका ये जो संजय राउत जी का जो भी ड्रामा, सॉरी आई रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज सीनियर टू मी, मगर पहले वो कहते हैं कि सुशांत के फादर की दूसरी शादी हो गई है जो जिससे सुशांत अपसेट थे, ये एक फॉल्स न्यूज है क्योंकि सुशांत के मामा ने बोला है कि ये एक फॉल्स न्यूज है। सामना में पहले पायल जी, मैं लौटूंगी जरा इनकी बात स्पष्ट रूप से आने दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि दो लोगों में इनका जो बयान है, जो इनके शब्द है, वो क्लियर नहीं हो पाते। क्या कहना चाह रहे हैं संजय जी? पाल रोहतगी जी खुद बीजेपी की सपोर्टर हैं, तो गुप्तेश्वर जो पांडे जो आए हैं, शाइना जी ने क्या गलत कहा? शाइना जी को सपोर्ट कर रही है, पायल जी बोलूंगी, शाइना जी जवाब देना चाह रहे हैं, शाइना जी बोलिए, शाइना जी को बैठिए, पायल जी मैं आ रही हूँ, शाइना जी बोलिए,
पूरा देश बीजेपी का सपोर्टर है, क्या इसका मतलब है कि एविडेंस बदलता है? आप एविडेंस को ओपन एंड क्लोज केस कैसे पेश कर सकते हैं जब बुनियादी तौर पे ये सब सवालों का जवाब आपने नहीं दिया? और जो कहानी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेकर देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा ईडी में केस रजिस्टर कीजिए, आपने वो तक नहीं किया। फिर सीबीआई की मांग हमने जब की, क्यों की? क्योंकि एक पिताजी जो बिहार पुलिस वहाँ कौन कैमरा कोई सहायता नहीं, सवालों का जवाब। और आपको लगता है एडिटोरियल लिख के आपने अपना काम कर दिया? किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना, किसी के दुख में और भी नमक फिरना, ये क्या सही है सर? आप सरकार हो, सरकार की भूमिका क्या है? उद्धव ठाकरे जी की भूमिका, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं, आपके पास है तो आप लेके आइए। क्या जनता का काम ये है कि इन्वेस्टिगेशन करें? और जो पुलिस का काम मीडिया कर रही है आज, और जो मीडिया, ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। एपी सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, निशा खन्ना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं उनके बाद में आपके पास ही आऊंगी। एपी सिंह जी आप मुझे समझाइए सर जरा, एक और सीबीआई को सीधे तौर पर धमकी दी जाती है कि आप आइए तो सही, आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। दूसरा, संजय राउत कहते हैं कि आपको याद है कोलकाता में ममता बनर्जी ने क्या किया था? ममता बनर्जी ने तो लॉकअप में डलवा दिया था। सीबीआई को इस तरीके की धमकी देना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रतिक्रिया होगी वो सामने आएगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, आपने बताया। पहला ये धमकी, और दूसरा सर, इस सब के बीच जो आज सीबीआई बयान दर्ज कर रही है, इसके आगे इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, जो 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 बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसमें तो, और वो सीबीआई को हैंड ओवर करा है तो वो तो ठीक है, वो सीबीआई सक्षम है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने कंसेंट दे दिया। पर जहां तक महाराष्ट्र पुलिस का सवाल है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सवाल है और इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र में करने की जो बात है, तो उसके लिए जरूर अभी आपको सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। बिकॉज वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो साफ बोल रहा है कि हम सीबीआई को के साथ नहीं कोऑपरेट करेंगे, हम इस केस को सीबीआई को नहीं हैंड ओवर करेंगे। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है तो ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ही दिक्कत होगी मुंबई में और महाराष्ट्र में। ठीक है, निशा खन्ना जी आपने सुना होगा सवाल, ये संजय गुप्ता भी यही कह रहे हैं, राउत जी का भी यही बयान आ रहा है कि हम साहब उनको सहयोग नहीं करेंगे, हम तो चाहते ही नहीं है कि वो इस मामले में जांच पड़ताल सीबीआई करे। ये जरा समझाइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, चश्मा क्या है, दिक्कत क्यों आ रही है? जिस रिया पर तमाम आरोप लग रहे हैं उसके तरफ से पार्टी बन जाना, सीबीआई को धमकी देना कि लॉकअप में डाल देंगे, आइए क्वारंटीन कर देंगे, सीबीआई को सहयोग नहीं करेंगे, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, क्या है ये? देखिए मुझे ये लग रहा है दोनों सरकारों का आपस में ईगो क्लैश हो रहा है और उसकी वजह से ये और हाईलाइट हो रहा है। देखिए अगर ये सुसाइड का केस भी है, प्लीज आप समझिए, और अगर पर्सन को साइकेट्रिक हिस्ट्री है तो सिम चेंज करना हो या कुछ प्रॉब्लम हो और फैमिली इश्यूज हो, जैसा कि सबका कहना है कि फैमिली इश्यूज नॉर्मल है, बल्कि मेरे ख्याल से मीडिया के थ्रू ये बात आई थी कि उसके घर वालों ने भी एक व्हाट्सएप किया था फरवरी में वहां बॉम्बे में किसी को, किसी डीजीपी को, एंड उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब रिटर्न में बोला गया ये बात तो शायद रिटर्न एप्लीकेशन जो है सुशांत की फैमिली से नहीं आया था। प्लीज समझिए, मुझे ये लग रहा है ये ईगो क्लैश हो रहा है, केस सिंपल है पर ईगो में आकर, चाहे मुंबई की गवर्नमेंट सही भी है बट अगर वो सहयोग नहीं देगी तो वो और हाईलाइट में आ रही है। अगर आप सही है तो मुझे लगता है रिया को सहयोग ना चाहिए। मैं मानती हूँ जब आप इंटरोगेशन में जाते हैं हर इंसान, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी, जिसका भी सत्तर से सत्तर इंसान भी हो, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है तो डेफिनेटली उसका भी एक पार्टनर खोया है। आप एक समझिए, अगर कोई भी इंसान, कितना भी शातिर इंसान क्यों ना हो, अगर किसी की उसके साथ जिंदगी हुई होती है बट उसके अंदर अपना पार्टनर खोया है, क्योंकि मैंने एक दूसरी डिबेट में सुना कि
जब उनको खबर मिली अराउंड से 12 o'clock और समथिंग और 11 o'clock अबाउट सुशांत पासिंग अवे, उसके बाद उनके फोन से कोई आउटगोइंग कॉल नहीं गया. एक या दो घंटे के बाद शी स्पोक टू सम अनदर रिपोर्टर, सो शी स्पोक टू टू रिपोर्टर्स. अगर आपके पार्टनर की मौत हो जाती है, हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट सर एंड मैम? यू आर गोइंग टू गो हाइपर, यू आर गोइंग टू मेक पैरानॉइड कॉल्स. मैंने ये भी देखा है सोशल मीडिया पर कि एक लड़की जो रिया जैसी थी, मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल गेम ज्यादा बन रहा है. मैंने कई सेलिब्रिटी केसेस किए हैं जिनमें कई बार रेप की खबरें होती है और रेप तक हुआ तक नहीं होता. और ऐसे एक नहीं, निशा खन्ना जी एक सेकंड, निशा खन्ना जी पहले तो आप स्पष्ट ये कहिए, एक सेकंड, पहले तो आप स्पष्ट ये कहिए कि आप आपके कहने का उद्देश्य क्या है. रिया चक्रवर्ती, क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्या नहीं रिया पर जो आरोप उसका परिवार लगा रहा है, इसने अपना बेटा खो दिया 74 साल का पिता, क्या वो गलत है? क्या उस परिवार के आरोप गलत है? और अगर वो रिया सीबीआई जांच की मांग करती है तो आज उसे सीबीआई से दिक्कत क्यों हो रही है? निशा खन्ना मान रही है कि ईगो क्रैश हो रहा है, समझना पड़ेगा ईगो क्रैश हो रहा है, राजनीतिक चश्मा ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है. मेरा ये बिल्कुल गलत, कोई ईगो क्लैश नहीं, सिर्फ सच्चाई का क्लैश जरूर है. एक तरफ सच्चाई चाहिए, मुंबई सरकार सुन लीजिए, निशा खन्ना जी सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा. शहना जी बोले, कोई ईगो क्लैश नहीं है बल्कि सच्चाई का क्लैश है, क्योंकि हम एक तरफ सच्चाई चाहते हैं और पब्लिक डोमेन में जो आपको लगता है ओपन एंड क्लोज केस है, तो आज तहकीकात आप, हम या कोई और नहीं कर सकते हैं, पुलिस को ही करना पड़ेगा. सुसाइड है या अबेटमेंट है या मर्डर है, और इतने सारे पहलू सामने आ रहे हैं. ये पब्लिक प्रेशर या नेपोटिज्म या बुलिंग का डिबेट नहीं है, ये किसी की हत्या होती है या किसी ने अपनी जान ली तो क्यों लिया. और सब पहलू को लेके उनके परिवार ने स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखा है कि वो सीबीआई की जांच चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है महाराष्ट्र पुलिस में. और महाराष्ट्र पुलिस छोड़िए, मुंबई पुलिस जिनकी नाम इतना बड़ा था, जहां यू नो टू सॉल्व केसेस, दे हैव डन अस प्राउड इन द पास्ट, व्हाई नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस? किसी को शरण दे रहे हैं क्या? किसी को इंसुलेशन देने की बात है, और जो सवाल हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मीडिया और विपक्ष ही उठा सकता है. आम जनता के पास जो केस के पहलू है वो पब्लिक डोमेन में आएगा. और ये कहना कि पायल जी बीजेपी सपोर्टर है इसलिए बोलिए, बेमतलब है. हर देश के हर एक नागरिक आज मोदी जी के समर्थक है, क्या इसका मतलब है कि उनको मानना पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं और जो सस्पेक्ट और जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़? ऐसा नहीं होता है, फैक्ट और एविडेंस के आधार पे होता है. संजय गुप्ता जी, सवाल ये कि जो रिया के फेवर में बोल रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि वो रिया के सपोर्टर है? क्या उन्होंने पहले तय कर लिया आपके अनुसार, तो ओपन सेट पूरा मामला है, खत्म, बंद कर दीजिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए सर, आप तो यही कह रहे हैं ना. देखिए सुनिए, आप ना अब सवाल पूछने के बाद थोड़ा सुना भी कीजिए. बोलिए सर, बोलिए. मैं सवाल लगता हूँ तो आप बोलने लग जाती हो, या कोई रोड को पाल रोती के बीच में कूद पड़ेंगे, अभी मैं बोलूंगा जैसी वैसी. सर डिबेट ओपन है, सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है. पहला राउंड सबके लिए अपना अपना सेफ है, उसके बाद राउंड ओपन है. बोलिए. नहीं, आपकी बात सही है कि अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन किसी के बीच में कूदने का थोड़ी ना अधिकार है कि भाई ना कूदे तो थोड़ा बात जाएगी, नहीं तो जा नहीं पाएगी. बोलिए. अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि रिया चक्रवर्ती जी पे, रिया चक्रवर्ती पे जिस तरह से आरोप है, देखिए आप सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस देखिए. 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में उनके रिश्तेदार कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी को इन्होंने बंदी बना रखा है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत तो जो है जो पार्टियां कर रहे हैं, उनके पड़ोसी उनको, उनकी पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं पुलिस के अंदर कि हम रात को जो है परेशान हो जाते हैं. बताइए आठ बात तो ये झूठी होगी. मेरा सवाल ये है कि रिया का सीधा फेवर रिया को निष्पक्ष बता देना, जबकि जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, आप कह रहे हैं कि क्यों जरूरत ही नहीं है आपको? क्या आप कर लेंगे क्या सर? आपकी राजपूत पार्टी कर रहे थे, पर आपके संजय राउत तो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी सर, आने दीजिए ना, बोल दीजिए. पायल जी मैं चाहूंगी प्लीज जरा सुन लीजिए. सुशांत पार्टी कर रहे थे, पड़ोसी कह रहे हैं, बट सुशांत इज डिप्रेस्ड एज पर संजय राउत, सो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स. नहीं आप एक मिनट रुकिए तो सही, आप जवाब तो दे दीजिए मुझको.
पार्टी कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्रेशन के पेशेंट कभी पार्टी नहीं करते, उनका मूड क्लियर अप करने के लिए नॉर्मल है। मुंबई सरकार को कॉपरेट करना चाहिए अगर सीरियल होती है। एपी सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एपी सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ सर। आरोप अब ये भी लग रहे हैं उनके परिवार की तरफ से कि देखिए, चाहे बेशक पहले भी मैंने ये सवाल किया कि सर उस जगह को बिल्कुल भी सील नहीं किया गया, वहां पर कोई भी इस तरीके के साक्ष्यों को नहीं रखा गया ताकि अगर सीबीआई या बाकी की एजेंसियां वहां पहुंचे तो उनके लिए थोड़ा आसान हो। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है उसके परिवार की तरफ से कि जो टाइम आप दे रहे हैं रिया को, वो जो गवाह है उनको प्रभावित करने का काम कर रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब अगर सीबीआई इस पूरे मामले को आगे हैंडल भी करती है तो बहुत मुश्किल है उसके आगे, क्योंकि वक्त बहुत दिया जा रहा है? ये मुश्किलात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि सीन ऑफ क्राइम जो है वो बढ़िया से प्रिजर्व होना चाहिए। और सीबीआई के साथ ये ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है कि केस बाद में मिलता है, जैसे इस केस में 2 महीने के बाद मिल रहा है, तो जो सीन ऑफ क्राइम है वो तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया है अभी तक। तो सीबीआई हालांकि जाके सीन ऑफ क्राइम को फिर से देखेगी, उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करेगी, फोरेंसिकली एग्जामिन करवाएगी, पर अभी कोई एविडेंस वहां उनको मिलने वाला मुश्किल ही है। तो उनको डिपेंड करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने वो सीन ऑफ क्राइम को कैसे प्रिजर्व किया था, क्या क्या उन्होंने वहां से लिया, फोटोग्राफिक एविडेंस होगा, वीडियो कराएगा उन्होंने पूरी सीन ऑफ क्राइम का, तो उसको एग्जामिन करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखेंगे, फिर एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे पोस्टमार्टम को देखने के लिए कि पोस्टमार्टम से क्या निकलता है, कि ये सुसाइड है या मर्डर है या कोई और किस्म की कोई आशंकाएं हैं, और फिर आई विटनेसेस को फिर से एग्जामिन करेगी सीबीआई। जो महाराष्ट्र पुलिस ने एग्जामिन करे हैं आई विटनेसेस को, उनके स्टेटमेंट देखेगी और फिर उनको री एग्जामिन करेगी, और हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर सकती है, जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हैं उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर सकती है कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। पर ये बात जो आप बोल रहे हैं ये हम लोग ने बहुत सारे केसेस में देखा है, खासकर एक अरुषि का केस था, मर्डर केस दिल्ली में, नोएडा में, कि सीन ऑफ क्राइम एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो जो एजेंसी बाद में आती है उसको काफी दिक्कत होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एक छोटा सवाल मेरा और है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस ने ठीक से एग्जामिन नहीं किया होगा, हो सकता है उन्होंने ठीक से बढ़िया से सीन ऑफ क्राइम को देखा हो और वो सब सीबीआई फिर एग्जामिन करे। सवाल मेरा ये है कि जब पहले ये कहा जा रहा है कि ओपन एंड क्लोज मामला है, तो जब ये जो बयान आ रहा है, ये जो मेंटेलिटी, ये जो थिंकिंग सामने आ रही है, ये जो नैरेटिव सामने आ रहा है, ये कितना प्रभावित कर रहा है इस पूरे मामले को? जब आप ये कह रहे हैं कि ओपन एंड क्लोज है, इसमें जरूरत ही नहीं है, तो फिर जांच कैसे, किस दिशा में, कहां जाकर रुकेगी, क्या कहा जाएगा? सीबीआई को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जब इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाएगी सीबीआई से। तो उससे कोई सीबीआई को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कि ये लोग जो भी लोग बयान दे रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं, उससे सीबीआई कोई इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ठीक है शायना जी, शायना जी सवाल जी, ये बोलिए बोलिए, नहीं आप बताएं। मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, आपने संजय गुप्ता जी को भी सुना होगा, संजय राउत को भी सुना होगा, रिया का अब तक का रवैया देखा होगा, मेरा सवाल ये कि अगर जांच से पहले इस तरीके के बयानों की क्या मंशा है, क्या वजह है, क्या आपको लगता है कि नहीं इस तरीके के दबाव से ये वीक करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मसले को, और डर किस बात का है? सबसे पहले तो कोई भी केस में पहले 45 घंटे में ही आप तहकीकात इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए जहां गंभीर सवालों का जवाब दें। यहां तो शुरुआती में तय हुआ था कि ये एक ओपन एंड क्लोज सुसाइड केस है, जब अलग अलग पहलू बाहर आए और सब, फिर एक पिताजी को पता चलता है कि 55 दिन तक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुआ, तब ये सभी दूसरे एंगल्स, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेके, रिया को लेके, उनके पिताजी को लेके और अन्य दिशा को लेके, लेकिन जो सरकार को अपनी भूमिका रखनी थी पब्लिक के सामने, तो उन्होंने क्यों इतने दिन चुप्पी रखी, क्यों उन्होंने ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जो कॉम्प्लिकेटेड है? और इस वजह से सीबीआई में हमें पूरा विश्वास है कि दिस विल बी अ सीएनपी इन्वेस्टिगेशन, लिटिल डे लेट इन द डे।
संजय जी बोलिएगा, समय बहुत कम है। देखिए एडीआर दाखिल करके पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बार बार ये कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की, ने यही नहीं पता एडीआर क्या होता है, ये आर्गुमेंट क्या करेंगे, डिबेट क्या करेंगे। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वहां दर्ज की जाती है जहां पर शक होता है कि आत्महत्या या मौत है। सबसे बड़ी बात, ना तो शक था ही नहीं ना सर, पुलिस तो वहां जज हो गई, भगवान हो गई, उसे शक नहीं था, उसके सामने आत्महत्या की गई थी ना, तभी तो आप कह रहे हैं कि शक था ही नहीं तो एफआईआर क्यों करते। सबसे बड़ा सवाल तो आप ही खड़ा कर रहे हैं ना, आपको शक था ही नहीं तो एफआईआर करते क्यों? आपको तो शक था ही नहीं, आप इन द सेंस की पुलिस को शक था ही नहीं। 174 बायल जी की क्या ये थ्योरी ठीक है कि हमें शक था ही नहीं तो हम एफआईआर क्यों दर्ज करें, और जब एफआईआर दर्ज नहीं है तो आप जांच भी क्यों करेंगे सर, जब आपको पता है कि सुसाइड है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट होती है। आपको कैसे पता सुसाइड है? मुंबई पुलिस ने बॉडी को एडीआर दाखिल कर दिया, जहाँ पर डर होता है मौत है या सुसाइड है। एडीआर का मतलब ये होता है जहाँ पे सस्पिशियस हो, जहाँ सस्पिशियस होता है कि डेथ है। क्या दिशा शालियान के साथ भी यही हुआ? क्या पायल जी आपको लगता है कि इससे पहले, अब इस पूरे मामले में दिशा शालियान को भी बहुत जरूरी है कि उस पहलू पर भी जांच हो और बहुत गंभीरता से जांच हो? जी हाँ, जांच तो होनी चाहिए क्योंकि सुशांत का अलग केस है, ये बीजेपी वाले षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कभी किसी को किसी के साथ छोड़ रहे हैं, कभी किसी को किसी के साथ छोड़ रहे हैं। संजय गुप्ता की यही दिक्कत है कि उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल रिया कर रहे हैं, जिनका संजय राउत कर रहे हैं, वही शब्द आप कह रहे हैं कि क्यों जोड़ रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये कि आप जज मत बनिए ना सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। सवाल, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिक्कत किसको है, सच्चाई कौन छुपाना चाहता है, सच्चाई आने से डर किसको है, चेहरे क्या बहुत बड़े पीछे हैं जो बेनकाब होंगे तो बहुत बड़ी हलचल सामने आएगी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रिया को सेफ करने की कोशिश, ऐसी क्या वजह है कि प्रिया ईडी को या फिर सीबीआई को रिया इस पूरे मामले में कुछ भी बताने से इनकार करती नजर आ रही, कह रही याद नहीं है। खुलासे होंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। आज सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सीबीआई आज सुशांत के परिवार का बयान दर्ज कर रही है, आगे उसमें क्या मोड़ आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।